चलो आज बात करते हैं शौक के बारे में। शौक दरअसल क्या होते हैं और किस तरीके से ये मैकेनिज्म करते हैं, किस तरह से ये स्वच्छीकारक करते हैं, किस तरीके से ये गंदे कपड़े को साफ करते हैं, शौक का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से ये बनाए जाते हैं और किन किन कैटेगरी में ये कार्य करते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो हमें इसका बेसिक फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला है इसका RCOONA। एक छोटी सी डेफिनेशन इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। बसा अम्ल के सोडियम लवण, बसा अम्ल के सोडियम लवण सॉप कहलाते हैं। यहां पर जो एल्किल ग्रुप है वो दरअसल एक बड़ी श्रृंखला में पाया जाता है। यहां पर जो एल्किल ग्रुप है वो एक बड़ी श्रृंखला में पाया जाता है, C15, H31, COONA। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है C17, H35, COONA। ये आपके पास बेसिक एग्जाम्पल है साबुन की। पहले तो दरअसल हमें एक साबुन का साधारण सा फॉर्मूला तैयार रखना है, जो फॉर्मूला होता है RCOONA। ये किस तरीके से बनाएंगे, और R के यहाँ पर हम बड़ा एल्किल ग्रुप यानी उच्च कार्बन श्रृंखला का एक कंपाउंड ऐड कर लेते हैं जो साबुन का रूप धारण कर लेता है। अब इसके बारे में हम ट्राइएस्टर लेते हैं। ट्राइएस्टर का फॉर्मूला लिखेंगे CH2C OR। यहां पर R जो है वो हमारे पास हायर एल्किल ग्रुप के रूप में कार्य करता है। बेसिक फॉर्मूला लिख लिया है अभी, CH O C11 O R, CH2 O C11 O R प्लस। बेस के साथ रिएक्ट करते हैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन किस टाइप में ये होती है, Na पॉजिटिव बेस, OH नेगेटिव बेस। जब भी रिएक्ट करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं, एस्टर ग्रुप जो होता है वो वहां से अपने आप में एक एस्टर ग्रुप नेगेटिव बेस में टूटने का चांस होता है। सी डब्लू नेगेटिव बेस में चला जाता है, एच पॉजिटिव बेस में चला जाता है। तो अब यहां पर बात करते हैं, जो RCOO है वो नेगेटिव बेस में चला जाएगा, इधर पॉजिटिव बेस हो जाएगा। तो दूसरा एल्किल ग्रुप भी, दूसरा एस्टर ग्रुप भी हम इसी कैटेगरी में तोड़ लेते हैं, नेगेटिव बेस पॉजिटिव बेस। तीसरा एस्टर ग्रुप भी सेम कंडीशन में चला जाएगा, नेगेटिव बेस पॉजिटिव बेस। अब यहां पर जो पॉजिटिव बेस है वो सीधा सीधा आक्रमण करेगा नेगेटिव बेस के पास। नेगेटिव बेस की संख्या 3 है, पॉजिटिव बेस की संख्या सिंगल है, तो 3 का मल्टीपल कर लेते हैं। जब 3 का मल्टीपल कर लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, OH सीधा सीधा नेगेटिव एल्किल ग्रुप पर आक्रमण कर देता है, CH2OH CH OH CH2 OH। प्लस हमारे पास जो शेष बच गया है RCOONA। साबुन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 3 मॉलिक्यूल्स हमको प्राप्त हो चुके हैं, तो ये साबुन का निर्माण हो गया। यदि हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास जो बनने वाला सॉप है वो हार्ड सॉप कठोर साबुन होगा। यदि यहाँ पर KOH का प्रयोग कर लेते हैं, 2 क्षारों का प्रयोग करते हैं, एक NaOH का प्रयोग करते हैं, तो हमारे पास कठोर साबुन प्राप्त होता है।
यदि क्यूएच का प्रयोग कर लेते हैं तो मृद साबुन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से तो ये साबुन का निर्माण कर लेते हैं। अब साबुन के स्वच्छी कारक, यानी ये जो हमारे पास साबुन है वो गंदे कपड़ों को किस तरीके से साफ करता है, मिसेल कैसे करता है, मैकेनिज्म इसकी किस कैटेगरी में होती है, हम इसी के बारे में सीखना चाहेंगे। तो एक गंदे कपड़े पर हम पहले इसके बेसिक पॉइंट के बारे में सीख लेते हैं। क्या होता है गंदे कपड़े जो भी होते हैं, गंदे कपड़ों पर ऋणात्मक कण होते हैं और साबुन जो होता है वो उसके पास सोडियम एटम्स के पास पॉजिटिव बेस होने के कारण यही पॉजिटिव बेस गंदे कपड़े के नेगेटिव बेस पर सीधा अटैकिंग करेगा और नेगेटिव बेस के साथ अटैकिंग करके ये एस्टर ग्रुप अपने आप में विघटित हो जाता है। जो हायर एल्किल ग्रुप होता है वो पूरी तरह से विघटित हो जाता है। अब ये सोडियम गंदे कण उस गंदे कण के साथ सोडियम पॉजिटिव बेस आक्रमण करता है तो एक पायस जैसी कंडीशन बन जाती है जो कपड़े को आसानी से साफ कर देता है। तो मिसेल्स के बारे में सीखेंगे। मैकेनिज्म, इसमें देखेंगे ये साबुन का स्वच्छी कारक। साबुन का स्वच्छी कारक विलयन किस तरीके से कार्य करेगा, किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होगी, हम जानते हैं जो साबुन होता है वो अपने आप में एक इसका पॉइंट शो करके हम कार्य कर सकते हैं। साबुन के पास एस्टर ग्रुप होता है ऑलरेडी और आर ग्रुप फॉर्मूला लिख सकते हैं RCOO NA = RCOO- + NA+। यहां पर जो है वो सोडियम आयन पूरी तरह से विघटित हो जाता है और एस्टर ग्रुप भी पूरी तरह से जब गंदे कपड़ों से ये कार्य करेगा तो Na पॉजिटिव बेस में टूट जाता है, Na पॉजिटिव यही पॉजिटिव बेस गंदे कपड़े जो होते हैं उनके ऊपर ऋण आवेश मॉलिक्यूल्स हैं तो वो ऋण आवेश मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अटैकिंग करते हैं। माना गंदे कपड़े के ऊपर एक ड्रॉप्स है, जो भी ड्रॉप्स ग्रीस या तेल की हो सकती है या धूल की हो सकती है तो उसी ड्रॉप्स के ऊपर ऋण आवेश बेस है। ऋण आवेश बेस जैसे ही हम इस सॉप को उस ड्रॉप्स के संपर्क में लेकर के आते हैं पानी के अकॉर्डिंग तो यही पॉजिटिव बेस सीधा सीधा नेगेटिव बेस के साथ आक्रमण कर देता है। तो ये नेगेटिव बेस और पॉजिटिव बेस एक मॉलिक्यूल्स अलग निष्कासित कर देते हैं। जो मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव और बेस दोनों ही रूप में पाया जाता है, जब दोनों ही रूप में पाया जाता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव बेस मिलकर के एक ये पायस यानी कोलाइडिंग क्रिस्टल के रूप में चला जाता है और पानी के बहाव के साथ ये बाहर हो जाता है और कपड़ा पूरी तरह से स्वच्छ एवं साफ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मिसेल्स जो होते हैं वो सोडियम पॉजिटिव बेस और गंदे कण ऋण आवेश बेस के साथ आक्रमण करके एक कोलाइडिंग सॉल्ट्स के रूप में बाहर हो जाते हैं और कपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इसकी फॉर्मेशन। अब बात करते हैं हार्ड और सॉफ्ट साबुन के बारे में। तो हार्ड और सॉफ्ट साबुन क्या होते हैं, अभी जिस प्रकार से हमने उसकी वहां पर रिएक्शन की थी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वहीं पर यदि KOH की रिएक्शन करा देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं
तो मृत शावक उनको प्राप्त हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म थी जो हम एक डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग बना करके सेट कर सकते हैं। स्वच्छी कारक क्या होता है, साबुन को जब भी हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके सोडियम पॉजिटिव बेस टूटना विघटित होना प्रारंभ हो जाते हैं। यही पॉजिटिव बेस गंदे कण रहे नेगेटिव बेस के साथ अटैक करके एक कोलाइडी सॉल्ट के कण के रूप में बाहर कर देते हैं और कपड़ा पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है। अब बात करते हैं टिंडल इफेक्ट। तो हार्ड साबुन सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब वहीं पर फिर पुनः ट्राई एस्टर लेते हैं तो लिख सकते हैं ट्राई एस्टर, ट्राई एस्टर सी एच टू डबल ओ सी सी 17 एच 35 सी एच डबल ओ सी सी 17 एच 35 सी एच टू डबल ओ सी सी 17 एच 35। ये हमारे पास ट्राई एस्टर है और इसकी रिएक्शन यदि हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, इम्पोर्टेंट है जो आगे चल करके एक साबुनीकरण के रूप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पूछ लेते हैं। ट्राई एस्टर को जब भी क्षार के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पर साबुन प्राप्त होते हैं। एक पॉइंट ये भी बना सकते हैं, जब भी ट्राई एस्टर को हम क्षार के साथ रिएक्ट करते हैं तो साबुन का निर्माण हो जाता है। अब यहीं पर सीखेंगे कि जो पोटेशियम है पॉजिटिव बेस में टूट जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव बेस में चला जाता है, एस्टर ग्रुप को हम सीधा सीधा विघटित करेंगे नेगेटिव बेस पॉजिटिव बेस, तो एस्टर ग्रुप की जो संख्या है वो 3 है तो हमारे पास नेगेटिव बेस की संख्या भी 3 हो जाएगी, पॉजिटिव बेस की संख्या 3 कर देते हैं। पॉजिटिव सीधा सीधा नेगेटिव बेस पर अटैक कर देगा, हमारे पास 3 पोटेशियम एस्टर ग्रुप के साथ आक्रमण कर देते हैं। यही OH नेगेटिव सीधा सीधा पॉजिटिव बेस पर आक्रमण कर देगा, फॉर्मूला बनकर के तैयार हो जाएगा CH2। यहां पर से एस्टर ग्रुप हट चुका है, अब जो शेष आया है वो है OH, नीचे CH, सामने सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या 3 है, एक इसके साथ और एक इसके साथ CH OH, नीचे सिंगल बॉन्ड CH2, इधर बचा हुआ शेष सिंगल बॉन्ड OH। यह फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया ग्लिसरॉल प्लस, हमारे पास इधर से बचा हुआ है C17 H35 COO नेगेटिव बेस पॉजिटिव को अपने पास ऐड कर लेता है COO के, फिर सेम बच गया, फिर सेम बच गया, 3 हमारे पास एस्टर ग्रुप हैं, तीनों को एक साथ लिख लेते हैं तो ये बन गया हमारे पास मृत साबुन। सॉफ्ट सॉफ्ट बनकर के जो तैयार हुआ है ग्लिसरॉल प्लस साबुन, इसका एक बेसिक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं पोटेशियम स्टेरेट, पोटेशियम स्टेरेट। यदि हम यहीं पर सोडियम कर लेते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा C17 H35 COON, तो सोडियम नाम रख देते इसका। अब यहां पर ये मृदु साबुन है और यहां पर ये कठोर,
कठोर साबुन मंत्र के तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से हम साबुन का निर्माण भी कर सकते हैं और साबुन के मिसेल के बारे में भी समझा सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला सीखेंगे हम, एक बेसिक पॉइंट है और इम्पोर्टेंट है, टिंडल इफेक्ट क्या होते हैं, टिंडल प्रभाव क्या है। तो टिंडल प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी कोलाइडी सॉल्यूशन है और उसमें यदि कोई भी परिक्षिप्त मॉलिक्यूल है, जैसे हम टिंडल बेसिक पॉइंट इसका एक समझेंगे, किसी भी कण में यदि जल को भर लिया जाता है कोलाइडी सॉल्यूशन में जो भी परिक्षिप्त कण हैं यदि इसमें एक प्रकाश किरण पुंज को प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो इसमें जो कोलाइडी कण होते हैं वो एक शंख के आकार के, एक कॉम्प्लेक्स के आकार के संरचना में दिखाई देते हैं और ये पूरी तरह से सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाता है। तो हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं, लिख सकते हैं इसी प्रैक्टिकल के ऊपर, जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश किरण को प्रवाहित करते हैं तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर उसमें कोलाइडी कण एक शंक्वाकार संरचना में दिखाई देते हैं और यह विलयन ब्लू कलर का नजर आता है, जिसे हम टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव कहते हैं। फिर एक बार समझने का प्रयास करते हैं, जब किसी कोलाइडी विलयन में किसी प्रकाश किरण पुंज को प्रवाहित किया जाता है, प्रकाश किरण पुंज को प्रवाहित करने के पश्चात सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण एक शंक्वाकार संरचना में दिखाई देते हैं जिसका प्रतिबिंब ब्लू कलर का होता है। इस घटना को, इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव के एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इसके गुण क्या हैं, तो अब हम इसके बारे में बेसिक पॉइंट सीख सकते हैं। जो भी यदि जल, समुद्र का जल ले लें या गहरा जल ले लें, वो ऑलरेडी ब्लू कलर का दिखाई देता है। प्रकाश का अवशोषण टिंडल प्रभाव के कारण ही समुद्र का जल या गहरा जल नीले रंग में प्राप्त हो जाता है, नीले रंग को एब्जॉर्प्शन कर लेता है। ये टिंडल प्रभाव का एक विशेष गुण होता है। दूसरा पॉइंट हम ये सीख सकते हैं, आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है तो वो प्रकाश किरण पुंज, अंधेरे में जब प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित होता है तो जो भी आकाश के अंदर कोलाइडी कण होते हैं वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करने के उपरांत नीले कलर के दिखाई देते हैं, इस कारण आसमान का कलर जो होता है वो नीले कलर का दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण टिंडल प्रभाव होता है। अब आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में थ्योरेटिकल है, समझने का प्रयास करते हैं। यदि किसी भी अशुद्ध विलयन में से, मान लीजिए
धुएं में से हमें धुएं के कणों को बाहर करना है। शायद धुएं में से हम धुएं के कणों को पूरी तरह से विस्थापित करते हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का प्रयोग करते हैं। इसमें एक ट्यूब की नली लेते हैं, यू आकार की एक ट्यूब लेते हैं जिसमें कोलाइडी सॉल्यूशन भरा होता है। इलेक्ट्रोड उपस्थित होते हैं, कोलाइडी सॉल्यूशन हमारे पास विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो जो कोलाइडी कण होते हैं वो पॉजिटिव आवेश के साथ प्लेटिनम कैथोड के पास आकर के एकत्रित होने लगते हैं। तो इसमें हम ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करते हैं। यदि किसी कोलाइडी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड की मदद से विद्युत प्रवाहित करते हैं तो विद्युत प्रवाहित करने के बाद कोलाइडी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव बेस पर एकत्रित होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। फिर समझने का प्रयास करते हैं, कोलाइडी कण ऑलरेडी आवेशित होते हैं, या तो ये पॉजिटिव बेस में हो सकते हैं या फिर नेगेटिव बेस में हो सकते हैं। तो जैसे ही एक विलयन को इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए हम इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, वो इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का हो सकता है या किसी मेटल का हो सकता है, विद्युत प्रवाहित करने पर इसमें पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स नेगेटिव के साथ अटैकिंग करके या नेगेटिव मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव के साथ अटैकिंग करके सीधे ही इलेक्ट्रोड की तरफ आकर के एकत्रित होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस कहलाती है। इसमें हम बेसिक पॉइंट सीख सकते हैं, क्या हो सकता है, धुएं से कार्बन कणों का विस्थापन करना, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, विषाक्त गैसों में से विषैले कण अवक्षेपित करना, अगला पॉइंट हम सीख सकते हैं, प्रदूषित गैस में से प्रदूषित कणों को विस्थापित करना। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट थे। यदि धुएं से हम कार्बन कणों को विस्थापित करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग करते हैं, विषाक्त गैसों में से विषैले कणों को अवक्षेपित करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से गैसों को भी हम उसमें से प्रदूषित मॉलिक्यूल्स को बाहर कर देते हैं। अब आगे चल करके सीखेंगे पायस।
इमल्शन, इमल्शन क्या होता है, पायस के बारे में हम जानकारी लेंगे, पायस क्या होते हैं। एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं हम, दूध। एग्जांपल के ऊपर डेफिनेशन बनाना सीखेंगे, सोचते हैं दूध पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। दूध के अंदर वाटर, पानी होता है और ऑयल होता है, जो भी फैट्स होती है। दूध ऑलरेडी पानी की प्रशस्तता और ऑयल की फैट्स, ऑयल की प्रशस्तता से मिलकर के बना है। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि पानी और ऑयल दोनों को यदि देखा जाए तो न तो हमको स्पष्ट रूप से पानी अलग दिखाई देता है और न ही ऑयल अलग दिखाई देता है। तो पायस के अंदर जो भी प्रक्षिप्त और प्रक्षेपण माध्यम होता है, यानी छिपने वाले मॉलिक्यूल्स और छिपाने वाला माध्यम, दोनों ही द्रव अवस्था में होता है। तो पायस की डेफिनेशन लिख सकते हैं, जब प्रक्षिप्त मॉलिक्यूल्स, प्रक्षिप्त तथा प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो ऐसे विलयन को पायस कहते हैं। एक बार फिर समझेंगे, जब प्रक्षिप्त और प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में पाए जाते हैं तो ऐसा विलयन पायस कहलाता है। अब हम इसका एक एग्जांपल सीख सकते हैं। दूध में यदि जो भी घी मिश्रित है, दूध में जो भी ऑयल है, वो घी भी द्रव अवस्था में है और दूध भी द्रव अवस्था में है, तो ये दूध जो विलयन बनकर के तैयार हुआ है वो पायस है। अब पायस की कैटेगरी की बात करते हैं तो इमल्शन कितने प्रकार के होते हैं। इसके दो प्रकार हैं और दोनों का ही एक एक एग्जांपल बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं। फर्स्ट है ऑयल इन वाटर, सेकेंड है वाटर इन ऑयल। ऐसे एग्जांपल को लेकर के चलते हैं जिनमें हम सीखेंगे ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। इसमें तो एक बेस्ट एग्जांपल हमारा दूध ही है। दूध में जो तेल है वो प्रक्षिप्त अवस्था में पाया जाता है, जो भी ऑयल है, घी है, फैट्स है, वो प्रक्षिप्त अवस्था में पाया जाता है, तो हम दूध लिख सकते हैं। बेनिशिंग क्रीम है, क्रीम जो होती है उसके अंदर जो ऑयल होता है वो वाटर के रूप में द्रव अवस्था में ही पाया जाता है, तो हम इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं दूध, बेनिशिंग क्रीम। अन्य पदार्थ इसी कैटेगरी से हम छांट सकते हैं, दूध, वेनिशिंग क्रीम। इसमें वाटर इन ऑयल, पानी ऑयल प्रक्षेपण माध्यम में छिपाओ, प्रक्षिप्त अवस्था में जो छिपने वाला है वो पानी हो सकता है और छिपाने वाला जो माध्यम है, प्रक्षेपण माध्यम है, वो हमारे पास ऑयल है, तो हम इसमें मक्खन ले सकते हैं। मक्खन जो होता है उसके अंदर पानी की प्रशस्तता बहुत कम होती है और वो ऑयल के अंदर, फैट्स के अंदर छिपा होता है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल सीख सकते हैं। वाटर इन ऑयल के बारे में पहले समझने का प्रयास करेंगे। वाटर प्रक्षिप्त अवस्था में चला है, ये हमारा प्रक्षिप्त और ऑयल जो है वो प्रक्षेपण माध्यम। वाटर प्रक्षिप्त अवस्था में, ऑयल प्रक्षेपण माध्यम, तो मक्खन जो होता है उसके अंदर पानी वो प्रक्षिप्त अवस्था में होता है और ऑयल जो होता है वो प्रक्षेपण माध्यम में होता है, तो हम लिख सकते हैं मक्खन के अंदर पानी प्रक्षिप्त अवस्था में होता है। तो इसके एग्जांपल आगे सीखेंगे, कोल्ड क्रीम, कोल्ड क्रीम में देखेंगे पानी की प्रशस्तता पाई जाती है, तो पानी की प्रशस्तता क्रीम के अंदर छिपी होती है, तो इस प्रकार के एग्जांपल हैं वो हमारे पास वाटर इन ऑयल। ग्रीस,
ग्रीस ले सकते हैं, ग्रीस ऑलरेडी ऑयल प्रक्षेपण माध्यम में होता है, जब प्रक्षेपण माध्यम में है तो उसे नम करने के लिए कुछ मात्रा पानी की आवश्यकता होती है, लिक्विड स्टेट में ले जाने के लिए उसे पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी जो है वो प्रक्षिप्त माध्यम में होता है और ग्रीस जो भी उसके अंदर फैट्स होती है वो ऑयल प्रक्षेपण माध्यम में होता है। तो इसके एग्जाम्पल हम सीख सकते हैं वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। चलो अब इससे आगे कल बात करते हैं।